यहाँ आए हैं तो परिक्रिया में जो रस है उसमें दो भाव है, नाई का दो प्रकार की, एक वामा नाई का एक दक्षिणा नाई का। वामा नाई का जो जिसको श्याम सुंदर अप्रोच करते हैं और वो ना 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 करती है, और दक्षिणा नाई का वो होती है जो दक्षिणा नाई का श्याम सुंदर को अप्रोच करती है और श्याम सुंदर उसको टालते हैं, ना ना ना, अरे अभी अभी थोड़ी, कल, अच्छा कल बैठेंगे, अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, अभी जरा मेरे को दूध काढ़ने जाना है। तो इस प्रकार की जो दक्षिणा, अच्छा, और वामा नायिका सदैव श्रेष्ठ मानी गई। प्रिया जी वामा नायिका का रोल करती है, चंद्रावली दक्षिणा नायिका का रोल करती है। तो अभी आगे की लीला में हमें समझ आ जाएगा, बात को समझे रहना है कि प्रिया जी ने ही दूसरा भाव धारण करके चंद्रावली का रूप लिया हुआ है, तो हमारे मन में कोई कुंठा जैसी बात नहीं आई। तो सामने वो देखती है कि अरे ये तो पद्मा है। अरे अच्छा पद्मा, इतने में पद्मा प्रवेश करती है और पद्मा कहती है, नांदी मुखी कैसी हो, अच्छी हो ना, आनंद तो है, कुशल तो है, एक ऐसा उपाय बताओ नांदी मुखी। अरे कैसा उपाय, क्या हो गया, इससे मैं चंद्रावली को थोड़ी सांत्वना दे सकूं। क्या हो गया चंद्रावली को? चंद्रावली बड़ी उद्विग्न सी है। उद्विग्न क्यों है, के उद्विग्न होने का कारण क्या है, तू तो जानती है, पद्मा कह रही है, तू तो जानती है कि कृष्ण संध्या के समय प्रतिदिन समस्त गोकुल रमणियों को अपने हाव भाव विलासमय भावों से अनुरक्त करता है। मैं कैसे करता ही है, संध्या के समय कृष्ण गौचारण के बाद चल जाते हैं और गोप रमणियों से मिलते हैं, अभिसार करते हैं और खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं। बोले अब तो वो इधर दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल आते ही नहीं, ये चंद्रावली दक्षिण की तरफ रहती है। बोले इधर तो अब कुछ दिन से आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए नांदीमुखी कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने शिव्या के मस्तक पर ऐसी रचना देखी है जो कृष्ण ही बनाते हैं, कृष्ण ने बनाई होगी अवश्य, और कृष्ण की सुंदर वनमाला को मैंने भद्रा के गले में और उनकी कुंजा माला को मैंने देखा है उनके गले में, इसलिए मेरे हिसाब से तो कृष्ण यहाँ आते ही हैं, आए ही हैं और गोवर्धन में ही विराज रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वेश ग्रह से अंदर मेकअप हो रहा है, जहां पात्र बनते हैं वहां से वृंदा की आवाज आती है। वो कहती है जो समस्त जगत की संगीत तरंगों का प्रथम आधार है वंशी ध्वनि, उसे अपने बाएं हाथ पर धारण करके वो नंद नंदन गोवर्धन गिरी की कंदरा में जा रहे हैं। नांदी मुखी कहती है पद्मे, तो यह समाचार चंद्रावली को दे, आज तो कृष्ण तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि तो राधा कुंड के तट के आसपास प्रिया जी का विलास स्थल है और गोवर्धन के आसपास चंद्रावली का विलास स्थल है। बोले आज तो श्याम सुंदर गोवर्धन की तरफ ही गए हैं, ये देखो ये वृंदा वृंदा मैया ने, वृंदा सखी ने अनाउंस कर दिया। यह कहकर वो नांदी मुखी कहती है कि तुम चंद्रावली से जाके कहो कि वो आज गोवर्धन की तरफ भी आ रहे।
मुझे थोड़ा सुबल से काम है, मैं सुबल के पास जाती हूँ। नांदी मुखी को तो ललिता ने भेजा है कि सुबल से कहे वो राधा जी की याद दिलाए। और इधर ये शेव्या पद्मा आ गई, पद्मा से कहा है कि वो तो गोवर्धन की तरफ ही जा रहे हैं। इधर चंद्रावली जी के पास ये सूचना पहुंच गई कि आज कृष्ण गोवर्धन की तरह आ रहे हैं। आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी की आवाज है और वह चंद्रावली से कह रही है, अरे मुग्धे, यार तुम भी राधा की तरह जबरदस्ती उन्मादित होना चाहती हो, ऐसा मत करना। ब्रज सुंदरियों के मन माणिक्यों को हरण करने वाला श्री कृष्ण नेत्र कटाक्षों से चंचलता का निस्तार करते हुए आ रहा है, इसलिए तू बाहर मत निकल, ऐसा स्वर आती है। चंद्रावली मंच पर आ जाती है और बड़ी उत्कंठित हो जाती है कि अच्छा, अरे अरे कहाँ कि कृष्ण कृष्ण आ रहे हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, ये कौन झूठ बोल रहा था कि कृष्ण इधर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तो कहीं कृष्ण नहीं है। पद्मा सखी, तुम इस संताप से संताप को हृदय से दूर क्यों नहीं करती हो? तुम लंबे लंबे सांस लेकर अपने अधर उष्ठों को तप्त कर रही हो, खराब कर रही हो, मलिन कर रही हो। कृष्ण मोरों के केकारव से गोवर्धन वन प्रदेश को मुखरित करते करते तुम्हारे स्थान पर आ ही तो रहे हैं, समीप आ गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। पद्मा चंद्रावली देखती है और कहती, कौन? पद्मा? हाँ 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 स्वामिनी, हाँ चंद्रावली, मैं पद्मा हूँ। अरे हाँ 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 तो पद्मा को आलिंगन कर लेती है क्योंकि उसने ये सूचना दी है कि कृष्ण तुम्हारे घर के आसपास आने ही वाले हैं, और कहती है, अरे पद्मा सच कह रही है? और क्या, बिल्कुल सच कह रही हूँ चंद्रावली। तब सुबल और श्री कृष्ण मंच पर प्रवेश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुबल देखो, अस्ताचल के शिखरों में छिपते जाने के कारण अब थोड़ा थोड़ा ताप कम हो रहा है, शीतलता की वृद्धि हो रही है, और हमारा प्रिय जो है अंधकार, अंधकार किसी को प्रिय नहीं लगता है, लेकिन ब्रज रमणियों को और ब्रज रमण हमारे राधा रमण को अंधकार सर्वाधिक प्रिय लगता है, क्योंकि यही अंधकार ही लीला का सहायक है। जब तक अंधकार नहीं होता है तब तक रात्रि कालीन इनकी विलास लीला, रास विलास क्रीड़ा नहीं हो पाती, इसलिए यह अंधकार इनको बड़ा प्रिय है। प्रेम पत्तनम में हम सुन चुके हैं, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, दुनिया को प्रकाश पसंद है, इनको अंधकार। सुबल कहते, कृष्ण आज गोदोहन के लिए नहीं गए क्या? गौ दोहने जाते हो ना तुम तो इस समय? कृष्ण बोले, हाँ नहीं गया। बोले क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे आज चंद्रावली की याद दिला दी है। अच्छा, वो उसे देखने की मिलने की इच्छा है आज? हाँ हाँ
आज उससे मिलने की, उससे मुलाकात करने की इच्छा है, इसलिए मैं गोदोहन शुरू करा के और सेवक लोग गोदोहन कर रहे हैं, मैं शुरू करा के आ गया। क्या करूं सुबल, कर क्या वही जो हमेशा करता है वही कर, क्या करूं रिवंशी बजा। अच्छा ठीक है, तू सुबल तू कहता है रिवंशी बजा और इसमें आकर्षणकारी ध्वनि निकाल, चंद्रावली जहां भी आस पास होगी किसी चली आएगी और कृष्ण मुख पर वंशी धारण करके वंशी बजाते हैं। चंद्रावली मोहित होती है और कहती है अरे इस दुर्मुखी वंशी को मैं हमेशा सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुन रही हूँ और ये इतना मेरे को चंचल कर देती है कि मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ और मैं विस्मित सी हो जाती हूँ। कहते हैं सुबल देखो मित्र, आज तुम्हें चंद्रावली से मिलन कराने में, उसको प्रसन्न कराने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सुबल कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं कृष्ण, सुबल प्रिय नर्म सखा है, सुबल मधुमंगल आदि ऐसे सखा हैं जिनका काम ही यही है कि रमणियों से, गांव से परिचय कराना, गोपिकाओं से मिलाना, अभिसार कराना, इधर की बात उधर करना, समझाना, सुबल उसमें मुख्य है। बोले क्यों नहीं करूंगा, ये तो मेरा काम है कृष्ण। पदमा पदमा बोलती है देख देख चंद्रावली चंद्रावली, हाँ देखो गोकुलेंद्र की वंशी ध्वनि आ गई, वो तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, देखो। चंद्रावली कहती है अरे वंशी तेरे में अनेक तो छिद्र हैं, छिद्र का एक अर्थ दोष भी होता है, अनेक छिद्रों से तुम भरी पड़ी हो, अति छोटी सी हो, गठीली सी हो, कठोर सी हो, नीरस हो, तुम्हारे अंदर कोई रस नहीं है, पता नहीं फिर भी तुमने क्या पुण्य किया है कि निरंतर कृष्ण के हाथों में रहती हो और उनका अजरामृत पान करती रहती हो। कृष्ण सामने ही देखते हैं कि चंद्रावली है, तो कृष्ण अरे सुबल देखो देखो वो चंद्रावली चंद्रावली देखो चंद्रावली आ गई चंद्रावली आ गई, तुरंत चंद्रावली के निकट चले जाते हैं और कहते हैं चंद्रावली तुम्हारा मुखमंडल बिल्कुल चंद्र है, तुम्हारे नख भी चंद्र है, तुम्हारे दोनों कुंडल चंद्र है, तुम्हारा मस्तक चंद्र है, सचमुच तुम चंद्रावली हो। चंद्रावली माने चंद्रों की माला, अवली तुम चंद्रों की माला हो। चंद्रावली थोड़ी शर्मा जाती है, उसने कहते हैं प्रिय दुष्ट दानवों को दमन करते करते समस्त रात्रियां बीत गई हैं, परंतु तुम्हारे मुख चंद्र को देखे बिना ये दुख की रात्रि बीतती नहीं है, वैसे ही अनबीती नवीन रात्रि हो रही है जैसे हम और आप पहली बार मिले। कैसी हो आप, चंद्रावली कहती है श्याम सुंदर तुम तो भ्रमर की तरह नित्य नए नए रस को लेने के लिए आतुर रहते हो, तुम चिर संगिनी, हम तो सदैव से तुम्हारी संगनी है, हम
नहीं तो है नहीं, हम तो तुम्हारे साथ की ही हैं। अब तुम हमें हमारे साथ मिलने की तुम्हारे अंदर क्या इच्छा रहेगी? कोई इच्छा नहीं रहेगी। मैं तो नई नई रमणिया से मिलना अच्छा लगता है, तो कृष्ण बोले, अरे चंद्रावली, जैसे चंद्र प्रतिपदा तिथि पर बिल्कुल नवीन हो जाता है, ऐसे तुम भी मुझे हर मिलन में, हर मुलाकात में नई सी ही लगती है। आओ आज मुझे आलिंगन प्रदान करके तेरे विरह ताप को नाश करो। पद्मा कहती है कि प्रिय सखी के विरह में तुम्हें कैसे ताप हुआ? बल कहता, अरे पद्मा ऐसा मत कह, कृष्ण चंद्रावली के विरह में संतप्त होकर शीतल झरने पर बैठा हुआ अपने शरीर को शांत करता रहता है, और सर्वत्र चंद्रावली चंद्रावली, चंद्र में भी चंद्रावली, कोर में भी चंद्रावली, सर्वत्र चंद्रावली चंद्रावली कहता रहता है। कृष्ण कहते हैं, प्रिय सुनो, एक बात बताऊं? जैसा बताओ। बोले, जब मुझे तुम्हारी याद आती है ना, और जब मैं तुम्हारे विरह में कपित होता हूं, उस समय तुरंत ही राधा आकर अपनी अमृतमयी स्पर्श और आलिंगन द्वारा मुझे शांत करती है। मैं तपता तो तुम्हारे विरह में हूँ, और तुम तो होती नहीं हो, तुम तो दुर्लभ हो, और राधा मुझे शांत करती है। और ये राधा कहे तो गए, लेकिन तुरंत, अरे नहीं नहीं नहीं, राधा नहीं, राधा नहीं, धारा धारा, उस झरने की धारा, धारा, वो जब मैं तुम्हारी माने विरह के ताप में तप्त होता हूँ, तब वो शीतल जल धारा मेरे को आलिंगन प्रदान करके मेरे ताप को मुझसे, मुझे ताप से मुक्त करती है। अब यहाँ बस गड़बड़ होने में कितनी देर लगती है? चंद्रावली ईर्ष्या, जाओ जाओ फिर राधा की सेवा करो, राधा ताप कर। अरे बोले, नहीं मैं राधा, राधा निकल के धारा है भाई, धारा। इसे कहते प्रिय मैंने धारा कहा है। फिर चंद्रावली कहती, दोनों वर्ड उल्टे हो गए, एक उल्टा होता तो मान लेती मैं, धामा निकल जाता, धारा की जगह राधा कैसे हो गया? अरे दोनों वर्ण उल्टे हो गए, या उल्टे निकल गए, या उल्टे सुन लिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह तो रहा हूँ कि गड़बड़ी हो गई, धारा कहना चाह रहा हूँ। तुमने एक बार राधा का उसको तो बदल पकड़ लिया, अब मैं छह बार से कह रहा हूँ राधा नहीं, धारा धारा धारा, पर जल की राधा होती है कोई? अरे ये अभी सुमन ने कहा है ना कि ये झरने में झरने की राधा होती है कि धारा होती है? अरे उल्टा निकल गया, तुम्हारे विरह में मेरे उल्टे सीधे शब्द निकल रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं? आज चंद्रावली कहती है, छोड़ो तुम, आज तुमने जो है बहुत गड़बड़ काम किया है। आज इतने दिनों में तो तुम मिले हो, और फिर उसके बाद अपने ऐसे शब्द तो मेरे कानों में डाल दिए हैं कि मेरे कान जल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, सुवर्ण के अलंकार तुमने अपने कानों में पहने हुए हैं, और तुम वक्षस्थल पर भी स्वर्ण हार पहने हुए हो, सुवर्ण के आभूषण पहने हुए हो, तुम कितनी सुंदर लग रहे हो, लेकिन
रही हो, तुम नहीं जानती हो कि मुझको भी इससे बेचैनी हो रही है, तुमको ईर्ष्या हो रही है और मुझे बेचैनी होती है। इसको छोड़ो, इन बातों को। पद्मा कहती है, सखी तू अपने दुर्भाग्य का स्मरण कर, मेरे सामने होते हुए भी ये राधा राधा कह रहा है, और ये कृष्ण जो है ये राधा के प्रति ज्यादा अनुरागी है। वृंदावली सांस छोड़कर कहती है पद्मे, ऐसा ही है, यही बात है, यही बात। कृष्ण कहते हैं, प्रिय शंका बिल्कुल करने योग्य नहीं है। 16 कला पूर्ण जो चंद्रमा है, तुम चंद्रावली हो, तुम चंद्र के समान हो, और राधा नाम की 16 प्रेयसियां चंद्रमा की ही प्रेयसियां हैं। पृथ्वी मंडल पर उस राधा के साथ तेरा मिलन कैसे हो सकता है? राधा को कैसे स्मरण कर सकता हूँ? राधा तो चंद्रमा की 16 प्रेयसियों का नाम है, और चंद्रमा की प्रेयसियां चंद्रमा से मिलेंगी कि मेरे से मिलेंगी? पद्मा कहती है, तुम तो 64 कला के लिए पूर्ण हो, तुमने तो संदीपनी मुनि से 64 कलाएं सीखी हैं। तुम्हारे लिए ये 16 कलाओं को प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है। तुम कहते हैं पद्मा को देखकर, पद्मे ये कमल नेत्रे चंद्रावली के मुख से निराधार तर्क आज पैदा हो गया है। एक चंद्रावली, और चंद्रावली के जो दो कपोल हैं, जो सुंदर सुंदर गाल हैं, उनको देखकर मेरा हृदय आज शंका का और दीन वाणी से चंचल हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा कल्याण आज भी नहीं होगा। चंद्रावली कपट से प्रसन्न होती है, हे देव, तुम समस्त गोकुल वासियों के जीवन स्वरूप हो, तुम्हें कौन तुम्हारे गुणों को कौन नहीं जानता है, इसलिए व्यर्थ संकोच में पड़कर शंका मत करो। कृष्ण मन में कहते हैं, यह चंद्रावली धीरा नायिका है, अतएव मुख माधुरी से भारी क्रोध मुद्रा को छुपाए हुए हुए। कहते प्रिय चंद्रावली, देखो गौरव विष को उगलना अच्छा नहीं है, इससे तो जो तुम्हें क्रोध आ रहा है वही क्रोध तो प्रकट कर दो। चंद्रावली कहती है, गोकुलानंद, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोलकर तुम्हारा अपराध किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा सकती, मैं घर जा रही हूं। कृष्ण कहते हैं, प्रिय प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, देखो मैं तुम्हारी अनुनय विनय कर रहा हूं। चंद्रावली, हे सुंदर, मैंने तो एक सहज बात कही थी, तुम खामखा मेरे प्रति शंका कर रहे हो, अब मुझे भद्रकाली के दर्शन करने के लिए अनुमति दो। और इतना कहकर चंद्रावली पद्मा के साथ चली जाती। राधा सूर्य की उपासना करती है, और चंद्रावली चंडी देवी भद्रकाली की उपासना करती है। जब राधा घर से निकलती है श्याम सुंदर के मिलने के लिए, तो बहाना होता है सूर्य पूजा। चंद्रावली जब घर से निकलती है तो बहाना होता है चंडी पूजा। श्री कृष्ण कहते हैं, सखे चंद्र रूपिणी चंद्रावली को क्रोध आ रहा है, इसलिए मुझे बड़ी निराशा
निराशा हो रही है और मुझे अब अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा। बल कहता है, प्रिय मित्र ऐसा क्यों कहते हो? वह तो मुझे अदक्षिणा मतलब वाम या प्रतिकूल नहीं दिखती है। कृष्ण कहते हैं, मित्र ये जो महिलाएं होती हैं ना, इनका कुछ पता नहीं, इनका स्वभाव दुर्गीय होता है। चंद्रावली के नेत्रों में कोई सरलता का भाव आया था, उसके कोई नेत्र भावभंगी धारण कर रहे थे, उसके हृदय में जो दक्षिण भाव दिखता है वह अब क्रोध रूप में अनुभव हो रहा है। जैसा अभी हम कह रहे थे कि वो तो दक्षिणा है, किंतु वो कृष्ण का के लिए प्रयास करती है, कृष्ण प्राप्ति के लिए कृष्ण को प्रसन्न करती है, लेकिन आज कुछ उल्टा ही हो रहा है। आओ आओ उधर आओ, केशर कुंज में प्रवेश करते हैं और मैं चंद्रावली के साथ तुम्हारे संगम के लिए कुछ उपाय करता हूं। यह कहकर थोड़ा उनका मन इधर उधर करते, देखो देखो ये निकुंज कितनी सुंदर है, इसकी दक्षिण दिशा में सरोवर है, वाम दिशा में बावड़ी है और सब दिशाओं में कितना सुंदर जल शोभित हो रहा है। इसीलिए यह अतिशय जलमयी केशर कुंज आनंद प्रभा प्रदान कर रही, और वो जलमयी के लिए सुबल ने राधिका शब्द प्रयोग किया। राधिका का एक अर्थ जलमयी भी है, बोले ये राधिका कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा बोला। तो सुबल ने राधिका शब्द सुना, राधिका का स्मरण हुआ है सुबल, अपने मन में कहने लगा, मुझे मौका मिल गया है, तुम्हें तो आनंदित राधिका ही करती है, तुम राधिका को सुख प्रदान करने वाली किसे कह रहे हो? राधिका के बिना कैसा आनंद अनुभव कर रहे हो, मुझे तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण सुबल को आलिंगन करते हैं, सखे तुम सच कहते हो, आज किसी प्रकार से राधिका यदि ईश्वर कुंज में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, तुम ऐसी सूचना ललिता को पहुंचा दो, ललिता से एक सूचना दो, आज मैं केशर कुंज में हूं, यहां राधिका को लेकर आए, अभिसार कराए। सुबल बहुत अच्छा कहकर चले जाते हैं। तब पद्मा तथा मधुमंगल प्रवेश करते हैं। मधुमंगल कहता है, पद्मे मधुमंगल मैंने ऐसा सुना है, आज तो उल्टी बात रही, कृष्ण ने चंद्रावली की बहुत अनुनय की, बहुत मनावने किए, लेकिन आज चंद्रावली प्रसन्न नहीं हुई। अच्छा, पद्मा बोली, हाँ हाँ मुझे भी पता है, आज ऐसा ही हुआ। मधुमंगल बोलते हैं कि कृष्ण दुखी हो रहा होगा, इन दोनों के मिलन में हमें सहायता करनी चाहिए। पद्मा बोली, अरे मधुमंगल मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, चंद्रावली भी बड़ी दुखित हो रही है और उधर कृष्ण दुखित हो रहे हैं, तुम मैं चंद्रावली की सखी हूँ, तुम कृष्ण के सखा हो, हम दोनों मिलके ऐसा प्रयास करते हैं कि इन दोनों का मिलन हो जाए। मंगल ने कहा, सामने देखकर, अजमे देखो कृष्ण तो सामने केशर कुंज में ही बैठा है, वहां भंवरों से कुछ बात कर रहा है। तो पद्मा कहती है, सुनो मधुमंगल, तुम थोड़ा छुप के सुनो तो सही, क्या बात कर रहा है, क्या चर्चा चल रही है।
मधुमंगल चुपके थोड़ा सुनते हैं और कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, राधा का स्मरण कर रहे हैं, जिसकी भ्रुकुटी कमान को देखकर रामदेव अपने पुष्प धनुष को ढीला छोड़ देता है, वह माधुर्य मणि पेटिका स्वरूप राधिका मुझे विभूषित करे, मतलब उन राधिका के मिलन से मैं विभूषित हूँ, ये कृष्ण एक प्रकार से वहां प्रार्थना कर रहे हैं। मधुमंगल पद्मावती कहते हैं, हाँ यहाँ कृष्ण बैठे और तुम्हारी सखी चंद्रावली के गुण गा रहे हैं, चंद्रावली को ले आए यहाँ पर। पद्मा, अच्छा ये जरा तू अच्छी तरह से सुन, ये कृष्ण जो है ना ये बहुवल्लभ है, ये किसी का सगा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि चंद्रावली के गुण गा रहे हो, चंद्रावली को स्मरण कर रहे हो, तो सही दोबारा सुन कि वो चंद्रावली के गुण गा रहे हैं या किसी और के गा रहे हैं। कृष्ण को दोबारा सुना और कृष्ण कह रहे हैं, आहा हा हा, वह अपनी मुख सुषमा से पूर्णिमा के चंद्र को भी पराजित करने वाली है। बस इतना ही सुना और उसके बाद अरे और सुन और सुन और सुना तो ये कहा कि उनका कटिदेश त्रिवली से सुशोभित है, उनकी कमर में तीन ऐसे बल पड़ जाते हैं जो महिलाओं की सुंदरता के लिए दिए कहे जाते हैं, कि उनका कटिदेश उनकी कमर त्रिवली से सुशोभित है। इतना ही सुना बोले बस अब क्या रह गया, देखो चंद्रावली चंद्र नाम लिया है और त्रिवली से सुशोभित है, इसके बाद अब कुछ सुनने का प्रयोजन नहीं है, चलो 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 दोनों चलते हैं और चंद्रावली को लेवा के लाते हैं। पद्मा बोली हाँ हाँ ठीक कहती है ठीक कहती है। इतना कहकर दोनों दूर तक चले जाते हैं और कृष्ण उस आधे श्लोक को पूरा करते हैं कि जो अपनी चंद्र के समान जिसका मुख है, जिसका कटिदेश त्रिवलय से सुशोभित है, क्या वह रसिका राधिका फिर कभी अपने आप को मेरे वक्षस्थल पर समर्पण करेगी क्या? वो तो राधिका का स्मरण कर रहे हैं और इन्होंने एक ही लाइन सुनी है, इनको ऐसा लगा कि चंद्रावली का स्मरण कर रहे हैं। पद्मा कहती है मैं तो कहती हूँ चंद्रावली ने जो मान किया है अपने आप आने पर उसका निरादर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो गुस्सा होकर घर चली गई, अब यदि हम चंद्रावली को लेके आएंगे तो वो कृष्ण हो सकता है उसको रुख ना दे, उसका निरादर हो जाएगा, अभी तो तू रुठ रुठ के चली गई थी, अब आ गई अपने आप उलट मुंह लटका के, बोले फिर बोले तू उल्टा काम कर, कृष्ण से कहे कृष्ण के पास जा और ये कहे कि तुम कहो तो हम चंद्रावली को लेके आए। वो मधु बोले हाँ ये बात सही है, इसमें थोड़ा शिष्टाचार और सम्मान भी रहेगा। मधुमंगल बोला हाँ हाँ ये तुमने सुंदर सलाह दी है। ये कहकर कृष्ण के पास आते हैं मधुमंगल और कहते सखी कृष्ण मैंने छिपकर तुम्हारे सब वचन सुन लिए, तो पहला श्लोक बोला वो भी सुन लिया, दूसरा भी सुन लिया है, तुम यदि कहो तो मैं तुम्हारी प्रिया को ले आऊं, तुम्हारी प्रिय वल्लभा को ले आऊं। यहाँ नाम नहीं लिया मधुमंगल ने, मधुमंगल ने कहा जिसका तुम स्मरण कर रहे हो। अब वो कृष्ण तो देखिए कितना कंफ्यूजन है कि कृष्ण तो प्रिया जी का स्मरण कर रहे हैं, आदि लाइन सुनी और वो वल्लभा प्रिया वल्लभा वो शब्दों से बोले तुम्हारी प्रिय वल्लभा को मैं ले आता हूँ, तुम कहो तो तुम विरात और हो रहे हो। कृष्ण बोले अरे वाह 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 वाह,
बिल्कुल बिल्कुल, तुम अरे कमाल कर दिया मधुमंगल, बड़ी कृपा होगी, तुम उसको ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। मधुमंगल लौट कर पद्मा के पास आ जाता है और कृष्ण कहते हैं, अहो परम उत्कट प्रेमियों की कैसी प्रेम उत्कंठा है, ऐसा आश्चर्य है, निकुंज कुटीर में नमर गुंजार करता है तो ऐसा लगता है मेरी प्रियतमा की नूपुरों की ध्वनि आ रही, मानुष वाणी वायु से तृण हिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रिया जैसे सामने आ गई हो, ऐसा कृष्ण विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कृष्ण तो इंतजार कर रहे हैं प्रिया जी का, राधा जी का, और सुबल जा चुका है और ये पद्मा और मधुमंगल जो है ये देख रहे हैं कि कृष्ण जो है चंद्रावली को ही याद कर रहे हैं। ये चंद्रावली को लेने गए हैं, कृष्ण राधा की इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए, और अब देखिए क्या होता है, कौन आता है, चंद्रावली आती है कि राधिका आती है, और मामला कहाँ सेट होता है, कहाँ किस तरह ये रस का प्रवाह जाता है इसको देखेंगे हम लोग। अरे ठीक, 2 बजे फिर उपस्थित होएंगे, फिर इस रस की कथा को सुनेंगे। आज चंद्रावली प्रथम बार आई है तो देखिए क्या रस वर्षण होता है, कैसे होता है, स्मरण कर रहे राधा को, आने वाली है चंद्रावली, और उधर सुबल गया है राधा को लेवाने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि तू राधिका को यदि ले आ, कृष्ण तो उसी भाव में बैठे हैं कि सुबल लेवाने गया है, बीच में मधुमंगल ने और पूछ लिया कि तुम्हारी प्रिया को लेवा लाऊं, बोले हाँ लेवा लाऊं, सुबल गया राधा को लेवाने, मधुमंगल ला रहा है चंद्रावली को, कृष्ण केशर कुंज में बैठे हुए। अब आगे क्या होता है उसको हम देखेंगे। जय जय श्री राधे पिताहि गौर हरि बोल। Thank you.